हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हुंडई वेन्यू के कोमल फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी कुछ रनिंग हो जाती है तो आप जब भी कभी लॉन्ग ट्रिप पे गाड़ी को लेके जाते हैं, अचानक ही गाड़ी आपकी धीरे धीरे पिकअप छोड़ देती है और गाड़ी बंद हो जाती है। आप पैनिक हो जाते हैं, आप सेल्फ करते हैं, गाड़ी सेल्फ लेते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होती है। 10 मिनट बाद फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। कुछ टाइम के बाद जब आप गाड़ी को चलाते हैं, आप कुछ दूरी तय करते हैं, फिर गाड़ी बंद होती है। तो इस प्रकार से ही गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम होती है मेन फ्यूल पंप की। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी गाड़ी बंद होती है आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 10 मिनट बाद आपका पंप ठंडा हो जाएगा और वो दोबारा से फिर गाड़ी स्टार्ट ले लेगी। इस प्रकार से आप दोबारा से फिर सर्विस सेंटर को कॉन्टैक्ट करके अपने गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। ये होता क्या है, फ्यूल पंप के अंदर जो आर्मेचर दिया हुआ है वो किसी कारणवश से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही वो ठंडा होता है दोबारा से गाड़ी आपकी काम करनी स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार से ये फॉल्ट होता है। आप इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी को सर्विस सेंटर पर लेके जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड कमेंट।